हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहां पे अच्छा हूं। तो चलिए, आज हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज टैक्सेशन। टैक्सेशन, ओके। इंडिया में टैक्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूं, ये अज्यूम करके कि आपको कुछ भी नहीं आता और आप आज टैक्स के बारे में फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। टैक्सेशन, इंडिया में टैक्सेस को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस। साथ साथ लिखते रहते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड द अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इंडिया में टैक्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, थोड़ा सा बताऊंगा, एक इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे। आज की क्लास को हम पूरी तरह एक इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे, टैक्स के बारे में इधर उधर की बातें करेंगे, अपने मेन पॉइंट पर आज हम नहीं आएंगे। हां, लेकिन यकीन मानिए जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हो सकता है कि जो हम पढ़े उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा आज की क्लास का, लेकिन देखा जाए तो ये आने वाली क्लासेस का बेस बनेगा, तो ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हां जी, तो बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो मैं काम करता हूं, आपको स्टार्ट करता हूं इनडायरेक्ट टैक्सेस से। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये बताऊंगा और फिर यहां से बताऊंगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखो, इनकम टैक्सेशन में ना दो वर्ड है, एक है लेवी और एक वर्ड है बर्डन। एक वर्ड है लेवी और एक वर्ड है बर्डन। लेवी का मतलब होता है इंपोज, ड्यूटी किसके ऊपर इंपोज है। बर्डन का मतलब है एक्चुअली बर्डन कौन सहन करेगा, टैक्सेस को जमा करवाने की ड्यूटी किसके ऊपर है, दैट इज कॉल्ड लेवी। टैक्सेस को गवर्नमेंट तक कौन पहुंचाएगा, दैट इज कॉल्ड लेवी। किसके ऊपर गवर्नमेंट ने यह ड्यूटी लेवी की है कि भाई टैक्सेस को तू हमारे पास लेके आएगा, और कौन है जिसकी जेब से एक्चुअल में टैक्स जाएगा, दैट इज बर्डन। तो एक लेवी वर्ड है और एक बर्डन है, इन दोनों का समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से फिर हमारे आगे टैक्सेशन के मीनिंग शुरू हो जाएंगे, राइट। हां जी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे हम लोग मार्केट में कोई सामान खरीदते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं एक मेडिकल स्टोर पर गया और मैंने बोला भाई साहब मुझे ना एक मेडिसिन चाहिए, ये वाली मेडिसिन आप मुझे दे दो। मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे बोला जी ये मेडिसिन 200 रुपए की है। मैंने वो उसका पैकेट लिया मेडिसिन का, उस पर लिखा था एमआरपी 200 और उसके ब्रैकेट में लिखा था इट इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। आपने भी देखा होगा जो हम मेडिसिन या जो भी हम बाजार से सामान खरीदते हैं एमआरपी लिखा होता है उनके ऊपर, और ब्रैकेट में यह भी लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। यानी कि जब मैं उस आदमी को यानी कि मेडिकल शॉप वाले को वो 200 रुपए दूंगा, 200 रुपए दूंगा, तो बताओ उसके अंदर मैंने टैक्सेस भी दे दिए या नहीं दिए। हां जी बिल्कुल, मैंने उसके अंदर टैक्सेस भी दे दिए, क्योंकि मैंने 200 रुपए पे किए हैं तो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है, तो मैंने टैक्स भी पे कर दिए। अब ये बताओ ये टैक्सेस गवर्नमेंट तक कौन पहुंचाएगा, गवर्नमेंट तक मैं खुद देके आऊंगा या गवर्नमेंट तक वो मेडिकल स्टोर वाला देके आएगा। प्लीज देखो, क्लास में ना पार्टिसिपेटिव होते रहना, मतलब क्लास के अंदर रिप्लाईज करते रहना जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तभी कॉन्सेप्ट जनरेट होगा, तभी कॉन्सेप्ट बनेगा और आपके दिमाग में फिट होगा। हां जी, एक बात बताओ, मैं मेडिकल स्टोर पे गया, मैंने 200 रुपए दिए और उसमें सारे टैक्सेस इंक्लूड है, लेकिन क्या वो 200 रुपए मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं राइट नाउ या मेडिकल स्टोर वाले को दे रहा हूं? सर बिल्कुल, मैं मेडिकल स्टोर वाले को दे रहा हूं। अब ये बताओ ये 200 रुपए मेडिकल स्टोर वाला गवर्नमेंट को देके आएगा, इसका मतलब टैक्सेस को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की ड्यूटी किसके ऊपर हुई, मेरे ऊपर यानी कि कंज्यूमर के ऊपर या मेडिकल स्टोर वाले के ऊपर? सर मेडिकल स्टोर वाला टैक्सेस गवर्नमेंट को देके आएगा। अच्छा, ये ऑप्शन है या मैंडेटरी है?
मैं आपको समझाता हूं ऑप्शन और मैंडेटरी का मतलब क्या है। मतलब क्या मैं ये बात मेडिकल स्टोर वाले को बोल सकता हूं कि भाई साहब एक बात बताइए, ये जो 200 रुपए की मेडिसिन है इसमें टैक्सेस कितने हैं? उस मेडिकल स्टोर वाले ने बोला जी इसमें 20 रुपए टैक्सेस है। मैंने कहा तो एक काम करिए ना, आप मेरे से 180 रुपए ले लो और ये 20 रुपए का जो टैक्स है ये गवर्नमेंट को मैं खुद दे आऊंगा। मैं भी गवर्नमेंट को टैक्स दे सकता हूं भाई, इसमें क्या बड़ी बात है? क्या ये पॉसिबल है? जवाब है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये 200 रुपए मुझे उस मेडिकल स्टोर वाले को देने पड़ेंगे और 20 रुपए वही गवर्नमेंट को देके आएगा। गवर्नमेंट कंज्यूमर से टैक्स लेती है लेकिन डायरेक्टली कंज्यूमर से मिलती नहीं है, वो डीलर के थ्रू लेती है, डीलर के थ्रू लेती है यानी कि मेडिकल स्टोर वाले के थ्रू लेती है। आप बताइए गवर्नमेंट ने अपने पास टैक्स मंगवाने यानी कि टैक्स जमा करवाने की जो ड्यूटी है वो कंज्यूमर पे लगाई है या मेडिकल स्टोर वाले पे? मतलब कौन जमा करवाएगा गवर्नमेंट के पास टैक्स, कंज्यूमर जमा करवाएगा या मेडिकल स्टोर वाला? सर जवाब है मेडिकल स्टोर वाला। लेवी, तो ये होता है लेवी, यानी कि लेवी किसके ऊपर हुआ? पर एक बात बताओ, वो जो अल्टीमेटली टैक्स के 20 रुपए गए वो मेडिकल स्टोर वाले की जेब से गए हैं या उसने कंज्यूमर से लेकर दिए हैं? सर उसने कंज्यूमर से लेकर दिए हैं। ये होता है बर्डन, कि यानी कि बर्डन अल्टीमेटली किसके ऊपर है? कंज्यूमर के ऊपर है। लेवी किसके ऊपर है? मेडिकल स्टोर वाले के ऊपर है। बर्डन किसके ऊपर है? कंज्यूमर के ऊपर है। सर इसे ही कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जहां लेवी एंड बर्डन ऑन टू डिफरेंट पर्सन होता ना, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेयर द लेवी एंड बर्डन इज ऑन टू डिफरेंट पर्सन, इज ऑन टू डिफरेंट पर्सन, देन इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। हां जी, तो बताइए प्लीज इनडायरेक्ट टैक्स का पहला मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी बड़े आराम से हम पढ़ेंगे और बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? वेयर लेवी एंड बर्डन इज नॉट ऑन द सेम पर्सन बट ऑन टू डिफरेंट पर्सन, देन इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो और समझाता हूं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। एक बात बताओ, अल्टीमेटली टैक्स किसकी जेब से गया? अल्टीमेटली टैक्स किसकी जेब से गया? सर कंज्यूमर की जेब से गया। अल्टीमेटली टैक्स किसको मिला? सर गवर्नमेंट को मिला। पर क्या कंज्यूमर ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया? नहीं सर, कंज्यूमर ने मेडिकल स्टोर वाले को दिया और मेडिकल स्टोर वाले ने गवर्नमेंट को दिया। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्टली टैक्स। मतलब टैक्सेस को डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे ना कर इनडायरेक्ट वे से गवर्नमेंट को पे करना, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। कंज्यूमर अपने आप गवर्नमेंट को पे नहीं करता, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करता, वो पे करता है थ्रू द डीलर, थ्रू द मैन्युफैक्चरर, या थ्रू सम अदर पर्सन, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। खुद पे करता तो वो डायरेक्ट टैक्स हो जाता, लेकिन वो किसी के थ्रू पे करता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। हां जी, डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें ना, तो डायरेक्ट टैक्स में भी दो वर्ड होंगे, लेवी एंड बर्डन। तो आप बता दो फटाफट इसमें क्या होगा? सर डायरेक्ट टैक्स में लेवी एंड बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन, लेवी एंड बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन, देन इट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल सही है सर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो है ना वो जिस पर लगता है वही जमा करवा के आता है, जिसके ऊपर वो लेवी होता है, जिसको जिसकी जेब से जाता है, जिसके ऊपर बर्डन होता है, लेवी भी उसी पे होता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। हां अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, अगर मैं कस्टम की बात करूं तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि मैं भी बाजार से सामान खरीदता हूं, मैं भी जीएसटी पे करता हूं, लेकिन मैं जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करता, मैं दुकानदार को पे करता हूं और दुकानदार आगे गवर्नमेंट को देता है। लेवी दुकानदार पे होता है, बर्डन कंज्यूमर पे होता है, दैट इज वाई जीएसटी इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टम इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि मेरा इनकम टैक्स मुझे ही जमा करवाना होता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। हां जी, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ प्लीज, आपको टैक्सेशन का मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा मैं यहां पर लिख देता हूं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख देता हूं, एग्जाम्पल यहां पर हो गया इनकम टैक्स, या कोई और टैक्स भी होता है जो डायरेक्ट टैक्स हो? प्लीज प्लीज टेल मी, कोई और टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स हो? इफ यू हैव एनी नॉलेज बताओ भाई बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिसिपेटिव बनो यार, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी आवाज, तुम्हें लग रहा होगा हम तो वीडियो देख रहे हैं,
हमें कौन सा आवाज, हमारी आवाज सब थोड़ी सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहा हूं, मन की आंखों से सुन रहा हूं, मन की आंखों से देख रहा हूं, मन के कानों से सुन रहा हूं, सुन रहा हूं मैं, सुन रहा हूं, पार्टिसिपेटिव बनो। बताओ इनकम टैक्स। अच्छा एक और ना डायरेक्ट टैक्स था किसी जमाने में था जिसका नाम था वेल टैक्स। वेल टैक्स हुआ करता था लेकिन अब क्या ना वेल टैक्स हो गया खत्म, इंडिया से ही खत्म हो गया, इंडिया से ही खत्म हो गया है। तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट टैक्स में कौन सा बचा, इनकम टैक्स। बताओ कोई और भी है डायरेक्ट टैक्स, कोई और हो डायरेक्ट टैक्स? हां जी सर एक और है डायरेक्ट टैक्स जिसका नाम है हाउस टैक्स। हम जो हाउस टैक्स पे करते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड हाउस टैक्स। ये भी डायरेक्ट टैक्स है, वो अलग बात है कि हाउस टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स के नाम पर हमारे सिलेबस में सिर्फ इनकम टैक्स है। अगर डायरेक्ट टैक्स के नाम पे बात करूं तो हमारे सिलेबस में सिर्फ इनकम टैक्स है। बताइए प्लीज क्लियर और नॉट क्लियर? ओके चलिए अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ना जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक है कस्टम। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और कस्टम, तो ये दो है आज हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पे। हां जी तो मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स बता दिया, इनडायरेक्ट टैक्स बता दिया। ओके इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में मैंने आपको दो बातें बताई, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में मैंने आपको दो बातें बताई। एक एक बताया मैंने आपको लेवी इज ऑन वन पर्सन एंड बर्डन इज ऑन अनदर पर्सन। दूसरी बात मैंने आपको बताई इट इज पेड बाय कंज्यूमर टू द गवर्नमेंट बट नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। कंज्यूमर ही पे करता है, गवर्नमेंट को ही जाता है लेकिन वो खुद पे नहीं करता डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पे करता है। बिल्कुल सही है। एक बात मैं आपको और बताने वाला हूं, थोड़ा सा बस ऐसे ही इलेबोरेट कर रहे हैं चीजों को कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और इलेबोरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लिख के दिखाऊंगा आपको। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज पेड बाय वन पर्सन, विच इज पेड बाय वन पर्सन, और यहां मेरा पेड से मतलब है डिपॉजिट, जो डिपॉजिट करवाता है, जो गवर्नमेंट को जमा करवाता है। पेड बाय वन पर्सन बट ही कैन रिकवर इट फ्रॉम अनदर पर्सन। पेड बाय वन पर्सन बट ही कैन रिकवर इट फ्रॉम अनदर पर्सन। यस ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स पेड कौन कर रहे हैं, जमा कौन करवा रहा है गवर्नमेंट को? लेवी किसके ऊपर है? मेडिकल स्टोर वाले के ऊपर। लेकिन वो ये पैसा अपनी जेब से जमा करवाएगा या कंज्यूमर से रिकवर करके? कंज्यूमर से रिकवर करके। तो ही कैन रिकवर इट फ्रॉम अनदर पर्सन, और अनदर पर्सन से यहां हमारा मतलब है कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर। हां जी तो मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बता दी। चलिए अब आगे चलते हैं, स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स। अच्छा हम पढ़ेंगे सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स। ओके बताइए प्लीज डायरेक्ट टैक्स में हमारे सिलेबस में क्या है? सर इनकम टैक्स। चलिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हम कहां पे आ गए? इनकम टैक्स में। चलिए अब इनकम टैक्स को हम एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट लेते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, इनकम टैक्स का मतलब क्या है? चलो छोड़ो, मैंने तो काफी ब्रॉड पूछ लिया कि इनकम टैक्स का मतलब क्या है, ये तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मुझे आप ये बता दो टैक्स का मतलब क्या है, ओनली टैक्स का। मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल टैक्स की बात कर रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? हां जी टैक्स का मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ टैक्स, मीनिंग ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स नहीं, ओनली टैक्स का मीनिंग बता दो। देखो मैंने बोला मैं आपको कंप्लीट तरीके से पढ़ाने वाला हूं, पूरा डीप में लेके जाने वाला हूं चीजों को, और नॉलेज के साथ हम पढ़ने वाले हैं और मार्क्स भी लेके आने वाले हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन प्रोवाइडेड आप हर चीज को अच्छे से सुनोगे और साथ साथ पढ़ते जाओगे, नोटिंग करते जाओगे, साथ साथ समझते जाओगे, तभी हमारी बात बनेगी, तभी बात बनेगी। आइए शुरू करते हैं इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स में आगे शुरू करते हैं टैक्स। तो बताओ भाई आपके हिसाब से टैक्स का मतलब क्या है?
बोलो बोलो, टैक्स का मतलब क्या है आप लोगों के हिसाब से? टैक्स का मतलब क्या है? हाँ जी बेटा, आपसे पूछ रहा हूं भाई, आप सुन रहे हो मेरी क्लास, मैं आपके लिए क्लास लगी है ये वाली, तो आप ही बताओ कि टैक्स का मतलब क्या है? बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? क्या मतलब होता है टैक्स का? सोचो सोचो, अरे जो मन में है बोलो यार, जो दिल में है बोलो, साथ साथ बोलोगे तभी तो समझ में आएगा। गलत बोलोगे तो क्या हुआ? मैं तो कहता हूं गलत बोलना गलत होता ही नहीं है, यकीन मानो, पढ़ाई के अंदर बोल रहा हूं, वैसे किसी को गलत मत बोला ना, मार धाड़ हो जाएगी। गलत बोलना गलत होता ही नहीं है, क्योंकि जो आप गलत बोलोगे ना, उसी का सही सुनने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर होगी। अगर आप गलत ही नहीं बोलोगे तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सही है, बस सुनते जाओ, स्किप हो जाएगा एक दिन सब कुछ। हर बात के अंदर ना सोचो जो सर बताने वाले हैं वो क्या होता होगा। अगर आप सोच पा रहे हो फिर मैं बताऊंगा, मैच करो, अगर बिल्कुल ठीक हुआ तो मजेदार बात, और नहीं ठीक हुआ तो जो मैंने बताया उसको रिटेन करो और गलत वाले को छोड़ते जाओ। कमिट ए मिस्टेक हेयर, यू विल नेवर कमिट ए मिस्टेक इन द एग्जाम। मैं बता रहा हूं, यहां गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि यहां गलती करोगे तो उस गलती का सही जवाब क्या था ये सुनने की बड़ी तुम्हें लगा होगा अंदर से कि सही क्या है, फिर अगर मैं गलत हूं तो फिर सही क्या है। इसलिए प्लीज, मैंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, तो अब टैक्स का मीनिंग सोचो, अब टैक्स का मीनिंग सोचो, टैक्स क्या होता है? टैक्स मीन्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट, है ना, कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग जो दिमाग में आ रहा है। ओके, चलिए आइए मैं आपको आपके साथ टैक्स का मीनिंग बताता हूं। टैक्स में क्या होता है ना, टैक्स को हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें ये बताओ, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या टैक्स पे करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से? दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स क्या है? अगर मैं गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, तो टैक्स क्या है? पहले ये बात करें, देखो गवर्नमेंट कहती है जी हमें देश चलाना है, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा हम अपनी पब्लिक से तो लेंगे, और किससे लेंगे? और ये पैसा हम कोई भीख मांग के थोड़ी लेंगे, हक से लेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे टैक्सेस। अगर आप हमारी पब्लिक हो और आप चाहते हो हम इस देश को चलाएं, तो आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा, उस टैक्स के पैसे से हम देश को चलाएंगे। जैसे घर में एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसको भी पैसे चाहिए होते हैं, और वो उन पैसों से घर चलाता है। इसी तरह देश के जो हमारे हेड हैं, जिनको हमने चुना है देश चलाने के लिए, उनको भी पैसे चाहिए ऑब्वियसली, और उनको पैसा कहां से मिलेगा? पब्लिक से मिलेगा, क्योंकि वो कोई बिजनेस तो करते नहीं है, व्यापार तो करते नहीं है, जो वो पैसा कमा लेंगे वो तो पब्लिक से ही लेंगे, और पब्लिक से वो टैक्सेस के नाम से लेंगे, और टैक्सेस से वो देश चलाएंगे, उन पैसों से वो हमारी डेवलपमेंट करेंगे। यानी कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स क्या है? टैक्स इज द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अगर मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मैं बोलूंगा टैक्स इज अ रेवेन्यू, इनकम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हां, रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। टैक्स इज अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट विच इज टू बी यूटिलाइज फॉर पब्लिक पर्पस। ओके, अब दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो टैक्स पेयर के एंगल से, जो बंदा टैक्स पेयर कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स क्या है? सर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो टैक्स पेमेंट है, टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो टैक्स एक तरह से पेमेंट है जो उसे देनी पड़ेगी। आइए मैं लिखता हूं, टैक्स पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू टैक्स का मीनिंग क्या है? अच्छा, एक बात बताओ, लिखने से पहले मुझे एक बात बताओ, जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे वो हमारी ऑप्शन है, हम दे या नहीं दे हमारी मर्जी, हमारा कंट्रीब्यूशन है, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं मैं करूंगा, मैं नहीं करना चाहता हूं मैं नहीं करूंगा, या टैक्स देना ही पड़ेगा, अगर बनता है तो देना ही पड़ेगा, या मेरी च्वाइस है? नहीं सर, ये च्वाइस नहीं है, ये आपको देना ही पड़ेगा। टैक्स इज मैंडेटरी, टैक्स इज कंपल्सरी, हां अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो, अगर कुछ कंडीशन आप फुलफिल करते हो, कुछ क्राइटेरिया आप कवर करते हो, तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, और अगर देना बनता है तो कोई च्वाइस नहीं है कि आप दो या नहीं दो, ये तो आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा टैक्स इज अ कंपल्सरी, देखो वर्ड मैंने क्या लिखा है, कंपल्सरी पेमेंट
टू द गवर्नमेंट. टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट. यस, टैक्स एक तरह से कंपल्सरी पेमेंट है टू द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट को दी जाने वाली एक मैंडेटरी पेमेंट, ऑप्शन नहीं है, आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा. ओके, तो यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को. चलो आगे चलते हैं. मेरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये डेफिनेशन आपको क्लियर है? यस सर, बहुत सिंपल डेफिनेशन थी. टैक्स इज अ पेमेंट, यानी कि कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट. टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है सर. मेरा क्वेश्चन सर आपसे यह है कि क्या आप मुझे यह बता सकते हो गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मुझे टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को देना है? अब ये मत बोलो सर गवर्नमेंट का मतलब सरकार, देखो तो हिंदी है उसकी. आई एम आस्किंग गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है. इंडिया एक फेडरलिज्म कंट्री है, फेडरल कंट्री है, जहां पर दोनों तरह की दो गवर्नमेंट पैरेलल रन करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट भी रन करती है हमारे मोदी जी, और स्टेट गवर्नमेंट भी रन करती है. अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल, अगर मैं यूपी की बात करूं तो आदित्य योगीनाथ जी, या हर स्टेट में अपना एक चीफ मिनिस्टर होता है, उनकी गवर्नमेंट पैरेलल रन करती है. तो इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट पैरेलल रन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रन करती है और स्टेट भी रन करती है. आप बताइए जो टैक्सेस हम गवर्नमेंट को देंगे वो कौन सी गवर्नमेंट को देंगे, वो कौन सी गवर्नमेंट को देंगे, सेंट्रल को देंगे या स्टेट को देंगे? चलो, टैक्सेस के नाम पे हमने तीन टैक्स की बात की थी, एक इनकम टैक्स, एक जीएसटी, एक कस्टम, और हालांकि मैंने तो हाउस टैक्स भी लिखा था थोड़ी देर पहले, हालांकि हाउस टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक हाउस टैक्स भी होता है. नाउ मेरा क्वेश्चन है इनकम टैक्स कौन सी सरकार को देंगे हम, सेंट्रल को या स्टेट को? जीएसटी किसको देंगे, सेंट्रल को या स्टेट को? कस्टम किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को? हाउस टैक्स किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को? क्वेश्चन है, एक बात बताओ, पैसे की जरूरत किसको है, सेंट्रल को या स्टेट को या दोनों को? सर दोनों को जरूरत है. सेंट्रल ने पूरा देश चलाना है और स्टेट ने अपनी स्टेट चलानी है, तो दोनों को जरूरत है सर, बिल्कुल दोनों को जरूरत है. तो हम जो टैक्स देंगे वो किसको देंगे, बताओ बताओ, आप बताओ. इनकम टैक्स हम किसको देंगे, इनकम टैक्स बेटा बोलो भाई, इनकम टैक्स किसको देंगे? अरे बताओ, ये मत सोचो वीडियो क्लास देख रहे हो, ऐसे सोचोगे तो फिर मजा नहीं आएगा क्लास का. आप मेरे साथ लाइव पढ़ रहे हो, ट्रस्ट मी, आप लाइव पढ़ रहे हो, लाइव की तरह डिस्कस करो यार, ऐसे मत करो. और लाइव समझते हो, पता ना मैंने आपको बोल रखा है कि मैं मंडे टू फ्राइडे इवनिंग टाइम फिक्स है हमारा, उसमें मैं YouTube पे लाइव आऊंगा डेली बेसिस पर, और आप लोगों से रोज मिलूंगा, रोज आपकी क्वेरीज लूंगा कि आप अच्छे से मुझे बात कर सको मेरे साथ, समझो बात को. तो जब हमें लाइव मिलना ही है तो लाइव की तरह बोलो, बताओ फटाफट, कौन सी गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को दूंगा? अच्छा पता है इस बच्चे का क्या आंसर आ रहा है, सर सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे. मैं पूछ लूं क्यों, कहां लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, तुझे कैसे पता? सर मेरा दिल कह रहा है सेंट्रल को देंगे. अब सरकार बड़ी सेंट्रल वाली है, ऐसे थोड़ी आंसर होता है भाई कि मेरा दिल कह रहा है सेंट्रल को देंगे. हां जी बताइए प्लीज, इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को देंगे? अब मैं आपको बताता हूं इनकम टैक्स हम कौन सी गवर्नमेंट को देंगे, जीएसटी कौन सी गवर्नमेंट को देंगे, कस्टम कौन सी गवर्नमेंट को देंगे, हाउस टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को देंगे. ये सारे जवाब मैं आपको दे सकता हूं, सारे जवाब मैं आपको दे सकता हूं. पता है सब कहां लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कहीं, लिखा हुआ है सब कुछ, सब कुछ लिखा हुआ है सर, सब कुछ. कोई बात हम हवा में नहीं करते कि इनकम टैक्स को जाएगा, एक बात कहां लिखी हुई है सर. देखो इंडिया में जो सबसे बड़ा लॉ है ना, सबसे बड़ा सुप्रीम पावर जो है, सुप्रीम पावर, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आ जाओ थोड़ी सी और इंट्रोडक्टरी बात करते हैं. देखो मैं इंट्रोडक्शन वाली बात भी कर रहा हूं और साथ साथ चीजों को इंपॉर्टेंट नजर से भी चल रहा हूं, कौन टैक्स पे करेगा. ये नहीं खाली इंट्रोडक्शन है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो. पेपर में आ सकता है कि इनकम टैक्स इज लेवी ऑन डैश गवर्नमेंट, सॉरी इनकम टैक्स इज कलेक्टेड बाय डैश गवर्नमेंट. हु कैन लेवी इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कौन लगा सकता है, इनकम टैक्स कौन कलेक्ट कर सकता है, ये सारी बातें इनकम एग्जाम में आ सकती है. मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनना. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ना एक आर्टिकल है, आर्टिकल 246. अभी पता ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्शन नहीं होते, आर्टिकल होते हैं. जैसे बाकी लॉज में सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, तो यहां पे आर्टिकल होते हैं.
तो यहां पे ना आर्टिकल 246 है, उस आर्टिकल 246 में ना स्केड्यूल 7 है, वहां पर तीन लिस्टें बनी हुई है, तीन लिस्ट बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बनी है 1950 में, जब 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था तब से बनी हुई है, तब से बनी हुई है, बता रहा हूं आपको। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है सर स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। तो सर तीन लिस्टें बनी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सर यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर लिखे ना उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट के पास पावर है इससे मतलब है सिर्फ पार्लियामेंट के पास है एक्सक्लूसिव, यानी कि इसके ऊपर जो टैक्स का लेवी होगा और जो टैक्स का कलेक्शन होगा ना उसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ, पार्लियामेंट लॉ बनाता है, यानी कि अल्टीमेटली पावर किसको डेलीगेट हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को हो जाएगी, मोदी जी। यूनियन लिस्ट में जो भी आइटम आएंगे ना उन पे मोदी जी लेवी करेंगे, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी और वो लोग कलेक्ट करेंगे। स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव पावर। सर एक्सक्लूसिव वर्ड का मीनिंग समझो, एक्सक्लूसिव मीनिंग समझो, जो लॉ स्टेट लिस्ट में बनेंगे, जो मैटर स्टेट लिस्ट में आएंगे उनके ऊपर लॉ बनाने की जो पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, और पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, नो इंटरफेरेंस, यानी कि यहां पर अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट लॉ लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ कलेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करेगी। कॉन्करेंट में लिखा है बोथ द गवर्नमेंट, बोथ द गवर्नमेंट, बोथ द गवर्नमेंट हैव द पावर, तो दोनों गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल स्टेट मिलकर बना सकते हैं, लोग मिलकर बना सकते हैं या मिलकर लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट। सर यूनियन लिस्ट में जो मैटर है वो एंट्री नंबर से लिखे गए हैं, जैसे हम कभी किसी रजिस्टर में लिखते हैं एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2 और उसके सामने मैटर लिखते हैं, उसी तरह से लिखा हुआ है। यहां पर एक एंट्री लिखी हुई है एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82, और इसमें लिखा हुआ है सर इनकम टैक्स। सर एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है इनकम टैक्स। लो जी फाइनल हो गया कि इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, फाइनल हो गया इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। कोई पूछेगा तुम्हें कैसे पता कि इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सर जी एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है, और यूनियन लिस्ट में जो लॉ होते हैं उन पर राइट किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, इसलिए जो इनकम टैक्स है उस पर इनकम टैक्स पर जो लॉ बनेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और पता है इसका नाम पूरा क्या है, इनकम टैक्स अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। तो देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स लगाएगी लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चरल इनकम इनकम टैक्स में माफ है, हम लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, नहीं क्या लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की औकात ही नहीं है कि वो लगा दे, क्योंकि यूनियन लिस्ट के मैटर में एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगाना आता ही नहीं। पता कोई ये मैटर कहां है, ये मैटर स्टेट लिस्ट में है, एग्रीकल्चरल के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पावर है लगाने की, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती नहीं है, मोस्टली स्टेट्स लगाती नहीं है, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चरल हमारा जो है वो बेस है, हमारा देश कृषि प्रधान है, और वैसे भी हमारे किसानों की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो पहले बेचारे बड़े प्रॉब्लम में है, तो टैक्स लगाने की हिम्मत किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं हुई, अगर वो लगाएंगे तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जाएगी, दूसरी सरकार आएगी वहां पे, समझ गए मेरी बात। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लगाता, लगा ही नहीं सकता, लगा ही नहीं सकता, हां जी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाएगा, इनकम टैक्स, लेकिन किसको छोड़कर, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़कर।
अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। सर इसके बाद आता है एंट्री नंबर 83 कस्टम। सर एंट्री नंबर 83 में लिखा हुआ कस्टम। लो जी ये भी फाइनल हो गया कि कस्टम कौन लगाएगा। सर कस्टम भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाएगी, कस्टम का लॉ भी पार्लियामेंट बनाएगी और उसके ऊपर जो लेवी करने की पावर है, कलेक्शन करने की पावर है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब मैं आपको स्टेट लिस्ट की बात करूं ना, अगर स्टेट लिस्ट की बात करूं तो यहां पर एक एंट्री है, एंट्री नंबर 51, एंट्री नंबर 51। देखो इसमें क्या लिखा हुआ बता देता हूं। हालांकि आप लोग जानते हैं जीएसटी आया है और जीएसटी आने के बाद जो पुराने लॉस थे वो खत्म हो गए, जैसे एक्साइज, वैल्यू एडिशन टैक्स वैट, सर्विस टैक्स, ये सब खत्म हो गए। लेकिन ये पहले थे, एक्साइज वैट सर्विस टैक्स खत्म हो गए, पहले थे लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुए। आज भी कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनके ऊपर एक्साइज लगता है, आज भी कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनके ऊपर एक्साइज लगता है। एंट्री नंबर 51 में लिखा हुआ है एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लीकर, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हां जी कंजम्पशन, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो देखो बात को समझो आप, जो लीकर है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, वो वाली नहीं जो मेडिकल स्टोर में मिलती है, वो तो मेडिकल के लिए तैयार की जाती है, वो वाली लीकर जो एज ए लीकर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होती है, एग्जांपल के लिए बियर विस्की वाइन गंदी गंदी चीजें ठेके पे मिलती है इंडिया के अंदर, तो तो ये सब जो है ना इनके ऊपर ना आज भी एक्साइज लगता है, इनके ऊपर जीएसटी नहीं है। जो लीकर है इसके ऊपर जीएसटी नहीं आया अभी तक, आज भी एक्साइज लगता है। और पता है कौन सी गवर्नमेंट लगाती है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल नहीं लगाती, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। क्यों सर? स्टेट गवर्नमेंट क्यों लगाएगी लीकर के ऊपर? क्योंकि स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है, एंट्री नंबर 51 में लिखा हुआ है, तो स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है कि जो एक्साइज ड्यूटी फॉर लीकर ऑन लीकर है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। हां जी कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर है उस पर दोनों गवर्नमेंट लगाएगी, दोनों गवर्नमेंट मिलकर लगाएगी। और इसके अंदर ना कोई भी मैटर नहीं है टैक्स का, कोई भी मैटर नहीं है। हां जी सर कोई भी मैटर नहीं है, जीएसटी भी नहीं है इसके अंदर, जीएसटी भी नहीं है। कई लोग कहते हैं सर कैसी बातें करते हो, जीएसटी तो दोनों गवर्नमेंट मिलकर लगाती है। मैं कल ही सामान खरीद के लाया था, बिल के ऊपर लिखा था सीजीएसटी एसजीएसटी सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी, वो तो दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर लगाया था। और अगर जीएसटी ना यूनियन में है ना स्टेट में है तो कॉन्करेंट में ही होगा? नहीं सर, वो कॉन्करेंट में भी नहीं है। वो कहां पे है बताऊंगा, अभी वेट करो। यहां पर ना सिर्फ आते हैं, यहां पर आते हैं सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी लॉ इनकम टैक्स वाला, टैक्स वाला लॉ नहीं है, इसमें सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स आते हैं, जैसे मैरिज डाइवोर्स, ये सारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। मैरिज वाला भी डाइवोर्स वाला भी, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ये सारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं सर, मैरिज डाइवोर्स। और बताऊं, मैरिज डाइवोर्स तो छोड़ो, एजुकेशन, एजुकेशन का मैटर भी कॉन्करेंट में आते हैं। आप देख लो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड भी है जो सीबीएसई करते हैं हम लोग, वो भी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई है ना, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, तो वो भी इसके अंदर आता है। सेंट्रल बोर्ड भी आता है और पंजाब स्टेट बोर्ड भी आता है। तो एजुकेशन का मैटर हो गया या मैरिज का मैटर हो गया, डाइवोर्स का मैटर हो गया, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। टैक्स के मैटर की बात करूं तो एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स आता है, एंट्री नंबर 83 में कस्टम आता है, एंट्री नंबर 51 में स्टेट लिस्ट की बात करूं तो एक्साइज ड्यूटी आती है। सर हम पूछ रहे थे अभी कि इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट देगी, हम पूछ रहे थे इनकम टैक्स सॉरी कौन सी गवर्नमेंट को दिया जाएगा। सर जवाब है इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, सही है। सर हमने बात की थी कस्टम कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा, सर कस्टम भी जाएगा आपका, बोलो बोलो कस्टम भी किसके ऊपर जाएगा? सर कस्टम भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे थे जीएसटी कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा, हां जी सर
तो अब क्वेश्चन आ गया कि जीएसटी कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा. यस, दैट इज द क्वेश्चन. जीएसटी कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा और ये कौन सी लिस्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि अगर यूनियन सेंट्रल को जाएगा तो यूनियन लिस्ट में होगा, अगर स्टेट को जाएगा तो स्टेट लिस्ट में होगा, दोनों को कंबाइंड जाएगा तो कॉन्करेंट में होगा. पर मैंने बोला कॉन्करेंट में जीएसटी नहीं आता, स्टेट में मैंने जीएसटी लिखा नहीं, यूनियन में मैंने जीएसटी लिखा नहीं, तो जीएसटी आता कहां है, कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा. सर जब मैं आपको जीएसटी पढ़ाऊंगा ना तो यह बात बड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा कि जीएसटी कौन सी गवर्नमेंट लेती है. लेकिन हां अब बात मैं यहां रोकूंगा नहीं, क्योंकि बात हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो बात तो पूरी करके चलेंगे कि जीएसटी कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा और जीएसटी कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा और यह बात कौन से जगह लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां लिखी हुई है, यह भी हम बात करेंगे. आइए चलो थोड़ी सी बात करते हैं जीएसटी के ऊपर. जीएसटी के ऊपर लॉन्ग डिस्कशन नहीं करूंगा, बिकॉज जब मैं जीएसटी करवाऊंगा तब बहुत लॉन्ग डिस्कशन करूंगा वहां पे. हां लेकिन अभी थोड़ी बात तो मैं जरूर करूंगा. सर जीएसटी को लगाने का मुद्दा कई सालों से चल रहा था, आपको पता ही है जीएसटी बड़ी मुश्किल से आ पाया इंडिया के अंदर, काफी सालों से 14-15 साल से जीएसटी को लाने की जंग चल रही थी. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा स्टेट से कि जीएसटी लेके आते हैं. ध्यान सुनना प्लीज, थोड़ी छोटी सी स्टोरी है, एक बार सुन लेना. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा स्टेट से चलो जीएसटी लेके आते हैं. स्टेट ने कहा जी चलो फिर ले आते हैं जीएसटी, आप कहते तो चलो लेके आते हैं जीएसटी, जीएसटी देश का भला है, एक सिंगल टैक्स होगा, अच्छी बात है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा एक्साइज खत्म कर देंगे, सर्विस टैक्स खत्म कर देंगे, वैट खत्म कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे ये पुराने टैक्सेस जो हैं. हां इनकम टैक्स रहेगा, इनकम टैक्स रहेगा, क्योंकि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है. हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके जीएसटी लेके आ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके जीएसटी लेके आ रहे हैं. इनकम टैक्स अपना अलग है, वो अपनी जगह है. तो हम एक काम करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करेंगे, एक्साइज, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, और उनकी जगह एक टैक्स लेके आएंगे जीएसटी. सारी स्टेट ने कहा जी लाओ फिर. तो सेंट्रल ने कहा फिर लाएं कैसे, यूनियन लिस्ट में लिख देते हैं मैटर, ये मैटर जो है यूनियन लिस्ट में लिख देते हैं हम लोग, और यूनियन लिस्ट में लिखने से ये मैटर जो है वो सेंट्रल के अंडर आ जाएगा. स्टेट ने कहा जी ऐसे कैसे आप यूनियन में लिख दोगे. सेंट्रल ने कहा क्यों नहीं लिख सकते हम यूनियन में, कोई भी नया लॉ जब बनता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नया लॉ बना सकती है यूनियन लिस्ट में लिख के. हां ये रूल है, ये रूल है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूलिंग पावर में है, जो रूलिंग में है गवर्नमेंट, वो चाहे तो कोई नया लॉ यूनियन लिस्ट में लिखकर बना सकती है. स्टेट गवर्नमेंट ने कहा जी वो तो ठीक है, पर ये नया कहां है, ये तो वैट को खत्म करके आता है, और वैट तो हमारी लिस्ट में था, स्टेट लिस्ट में था वैट, पहले एंट्री नंबर 54 था स्टेट लिस्ट में. उन्होंने बोला वैट तो हमारी लिस्ट में था. सर आप उनको खत्म करके ला रहे हो तो नया कहां हुआ, ये तो रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड लॉ हुआ. नहीं नहीं सर, आप हमारी परमिशन के बगैर ये लॉ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. हां अगर ये एक नया लॉ होता तो जरूर आप यूनियन लिस्ट में लिख कर ले आते, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, बट ये तो रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड लॉ है, ये तो हमारे लॉज को खत्म करके नया लॉ है, इसे तो हम नहीं लाने देंगे आपको. सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं लाने दे रहे हो. बोले सर बड़ी सिंपल सी बात है, इससे हमारा रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, हमारा वैट खत्म हो जाएगा, हमारे पास पैसे की कमी हो जाएगी. सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तो हम लोगों से ले लेंगे, कुछ आपको दे देंगे. स्टेट गवर्नमेंट ने बोला जी हम भिखारी हैं, जो पहले आप लोगों से कलेक्ट करोगे और थोड़ा सा हमें दे दोगे. ऐसा करते हैं जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट से लेके आते हैं, स्टेट लिस्ट से हम लगाएंगे जीएसटी, और सेंटर को जितना चाहिए होगा दे देंगे बीच में से. सेंटर ने बोला दिमाग खराब है तुम लोगों का, हम रूलिंग में है, हम सेंट्रल पावर में है, और हम तुम लोगों से मांगेंगे. स्टेट बोली भी हम भी कम नहीं है क्या, हम तुमसे मांगे, हम नहीं मिलाने देंगे लो, नया लो लाना ले आओ, जीएसटी तो नहीं लाने देंगे, ये तो हमारे पुराने लॉज को खत्म करके आ रहे हैं, ये तो नया है ही नहीं. सेंट्रल गवर्नमेंट बोली बात तो सही है यार, अब नया लॉ कैसे लेके आए बताओ, नया लॉ लाना तो बड़ा मुश्किल हो गया. अगर यूनियन लिस्ट में लिखूं तो लिखने नहीं देती स्टेट, स्टेट लिस्ट में लिखना चाहती है स्टेट, लेकिन यूनियन लिस्ट मान नहीं रहा. सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, एक कॉन्करेंट लिस्ट भी तो है जहां पर हम दोनों मिलकर लिख सकते हैं और दोनों लगा लेते हैं. अच्छा एक बात बताओ, पहले सेंट्रल ने यह बोला स्टेट को कि अगर हम दोनों मिलकर लॉ बनाए फिर चलेगा, अगर हम दोनों मिलकर लॉ बनाए फिर चलेगा. स्टेट गवर्नमेंट ने बोला जी बिल्कुल चलेगा, अगर बात ऐसी है कि आप भी लॉ बनाओगे और हम भी बनाएंगे, हम दोनों मिलकर लगाएंगे टैक्स, आधा पैसा आप जनता से लोगे आधा हम लेंगे, ऐसा नहीं कि पहले आप पूरा आप ले लोगे फिर आधा हमें दे दोगे, ऐसा नहीं, आधा आप लोगे आधा हम लेंगे, तो चलेगा.
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तो फिर ऐसा कर लेते, वो बोली स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा करेंगे कैसे? अगर आप मैटर यूनियन लिस्ट में लेके आओगे, लिस्टें तो तीन ही है ना, अगर आप यूनियन लिस्ट में लेके आओगे तो पावर आपके पास है लेके आने की, और अगर स्टेट में आएंगे तो हमारे पास है, दोनों के पास पावर हो, ऐसी लिस्ट कहां है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ये रही कॉन्करेंट लिस्ट, इस मैटर को हम कॉन्करेंट लिस्ट में लिख देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट बोली नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक आर्टिकल है आर्टिकल 254, सर एक आर्टिकल है आर्टिकल 254, और ये आर्टिकल 254 ये कहता है कि अगर जो लॉ कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा है, जिसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है, कल को अगर सेंट्रल और स्टेट में कोई मैटर को लेकर क्लैश हो गया, सेंट्रल कुछ और कहता है स्टेट कुछ और कहता है, तो अल्टीमेटली जो प्रवेल है वो सेंट्रल वाला करेगा, अल्टीमेटली जो प्रवेल करेगा, अल्टीमेटली जो माना जाएगा वो सेंट्रल माना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला माना जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट बोली कि सर कॉन्करेंट लिस्ट में जीएसटी को नहीं लेके आएंगे, क्योंकि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में जीएसटी को लेकर आ गए तो फिर जब भी क्लैशिंग होगी अल्टीमेटली तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही माना जाएगा, फिर हमारी बात का फायदा ही क्या हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तो आप बताओ हम करें क्या, यूनियन लिस्ट में आप हमें लाने नहीं दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में हम आपको नहीं लाने देंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं लाने दे रहे हो, हां चलो माना आर्टिकल 254 की प्रॉब्लम है। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला देखो सर कुछ भी कर लो, ये अब आप सोचो कि कैसे करोगे, हमने आपको बता दिया यूनियन लिस्ट में ये लॉ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यूनियन लिस्ट का मतलब पूरी तरह से पावर आपके पास, स्टेट लिस्ट में ये लॉ हमें लिखने नहीं दोगे क्योंकि पावर हमारे पास, और कॉन्करेंट लिस्ट में हम नहीं लिखने देंगे क्योंकि फिर अल्टीमेटली पावर तो आप ही की हो जाएगी। तो अब क्या किया जाए, बड़ी मुसीबत में आ गया पॉइंट, बहुत मुसीबत हो गई है। तो अल्टीमेटली सर क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया, मेरी बात ध्यान सुनना, अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया और एक नया आर्टिकल डाला गया जिसका नाम था आर्टिकल 246 कैपिटल ए। तो सर एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ 246 कैपिटल ए, और इस आर्टिकल में लिखा गया कि जो जीएसटी है ना उसके ऊपर लॉ बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास भी होगी और साइमल्टेनियसली स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी होगी। तो आर्टिकल 246 कैपिटल ए एक ऐसा आर्टिकल है जो दोनों गवर्नमेंट को साइमल्टेनियसली लॉ बनाने की और टैक्स कलेक्ट करने की पावर देता है, टैक्स कलेक्ट करने की पावर देता है आर्टिकल 246 कैपिटल ए। 246 कैपिटल ए कहता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो पार्लियामेंट भी बनाएगी और साथ में स्टेट लेजिस्लेचर भी बनाएगा। तो ये बात आर्टिकल 246 कैपिटल ए में लिखी है। अब कोई आपको पूछता है कि बताओ भाई जीएसटी कौन सी एंट्री से आया है, आप बोलो जीएसटी तीन लिस्ट में से किसी लिस्ट में नहीं है, वो किसी एंट्री नंबर से नहीं आया है, जीएसटी एक नए आर्टिकल से इंट्रोड्यूस हुआ है आर्टिकल 246 कैपिटल ए से, 246 कैपिटल ए से इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज वहां से जीएसटी आया है। हां जी अच्छा, अब ना मैं थोड़ी सी बात आपके साथ एक एक्स्ट्रा बात करूंगा, एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई, अभी मैं ना थोड़ा सा यहां पे डीप में चला गया हूं लेकिन इंपॉर्टेंट है, जब मैं जीएसटी करूंगा तो बड़ा डिटेल में करूंगा इसको। एक है इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक होता है सर इंटर स्टेट सप्लाई। सर इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट, जैसे दिल्ली से दिल्ली में, हरियाणा से हरियाणा में, पंजाब से पंजाब में। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है बिटवीन टू स्टेट, दिल्ली से पंजाब, हरियाणा से पंजाब। तो जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा ना तो जो लॉ बनाने की पावर है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। और आपने देखा होगा जब आप सामान खरीदते हो अपनी सिटी में तो वहां पर जो टैक्स लगता है ना वो एक सीजीएसटी लगता है और एक एसजीएसटी लगता है। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी। लेकिन ये तब लगता है जब सप्लाई बिटवीन विद इन द सेम स्टेट हो,
यानी कि इंट्रा स्टेट, और अगर हो इंटर स्टेट सप्लाई यानी कि दिल्ली से अगर मैं बात करूं पंजाब एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो भाई आर्टिकल 246 ए कहता है कि यहां पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। यह भी आर्टिकल 246 कैपिटल ए में लिखा हुआ है। और यहां जो टैक्स लगेगा ना वो लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको कलेक्ट करने की पावर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, हालांकि वो कलेक्ट करने के बाद आधा टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी, आधा टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी, लेकिन यहां पावर सिर्फ सेंट्रल के पास है, पावर सिर्फ सेंट्रल के पास है। हां, लेकिन अगर विद इन द सेम स्टेट है, विद इन द सेम स्टेट है, तो फिर सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा। तो मैंने वो बता दिया कि जीएसटी कौन सी लिस्ट में आता है। सर, जीएसटी कोई लिस्ट में नहीं आता, जीएसटी किस में आता है? आर्टिकल 246 कैपिटल ए में आता है। सर, मैं इसको पूरे को समराइज कर दूंगा आपके साथ, देखना इस पूरे मैटर को मैं आपके साथ समराइज करने वाला हूं। मैं समराइज करता हूं इसके साथ। नंबर वन हमारे पास है इनकम टैक्स, अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स है। नंबर टू हमारे पास है, इनकम टैक्स के बाद हमारे पास आ गया कस्टम लॉ है, कस्टम लॉ है, जीएसटी है। अब जीएसटी को ना मैं दो पार्ट में बांट दूंगा, एक हमारे पास है इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर लगने वाला जीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और एक है सर इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर लगने वाला जीएसटी। सर, इनकम टैक्स जो लगेगा ना वो कौन सी गवर्नमेंट लगाएगी, ये बात कर लेते हैं हम, कौन सी गवर्नमेंट। सर, इसमें लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। सर, कस्टम लॉ कौन सी गवर्नमेंट लगाएगी? सर, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, मतलब लॉ बनाने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती नहीं है, ये मत सोचना कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, लॉ पार्लियामेंट बनाती है, लॉ पार्लियामेंट बनाएगी। इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर ना सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों साइमल्टेनियसली लगाएंगे, दोनों साइमल्टेनियसली, और यहां पर फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। सर, ये बात कहां लिखी हुई है? अगर हम बात करें कहां लिखी हुई है, तो लिस्ट ओब्लिक आर्टिकल। सर, ये यूनियन लिस्ट में लिखी है, यूनियन लिस्ट में लिखी है, और इसका एंट्री नंबर है 82। सर, ये भी यूनियन लिस्ट में लिखी है और इसका एंट्री नंबर है 83। सर, ये यूनियन लिस्ट में नहीं लिखी है, ये लिखी है आर्टिकल 246 कैपिटल ए में, और सर ये भी लिखा है आर्टिकल 246 कैपिटल ए। हां जी, तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लगाती है और कहां पर यह बात लिखी हुई है, मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। हालांकि इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ट्रस्ट मी, पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन की क्लास है, बर्डन नहीं लेना, सिर्फ सुनते जाना है, याद करने के एंगल से नहीं, सिर्फ सुनने के एंगल से सुनना है। क्योंकि देखो, एक बार ये क्लास खत्म हो गई ना, तो अगली क्लास में से फिर वो चैप्टर वाइज तो हम चल ही पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज तो हम चल ही पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज तो हम चल ही पढ़ेंगे, वो तो चलता ही रहेगा, जब तक इनकम टैक्स खत्म नहीं होगा हम चलते रहेंगे। लेकिन आज की क्लास ना एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, मैं चाहता था कि आप ऊपर ऊपर से ओवरऑल चीजों को समझो, सो दैट आने वाले टाइम में आपको परेशानी ना हो। हां जी, तो ये हमने समझ लिया। यहां पर हमने मैटर स्टार्ट किया था इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या है हमने यहां से स्टार्ट किया था, और आपने इसमें टैक्स का मीनिंग की बात की थी। लेट अस स्टार्ट, अब बात करते हैं इनकम क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम, अब इसके बारे में बात करते हैं। आइए, तो हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स के अंदर टैक्स का मीनिंग क्या है यह मैंने आपको करवा दिया। आइए अब बात करते हैं इनकम, इनकम का मीनिंग क्या है। हां जी बताइए, चलिए फिर से आपसे शुरुआत करते हैं, फिर से आपसे पूछते हैं कि इनकम क्या होती है। हां जी, आप बताओ आपके हिसाब से इनकम क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम, बोलो बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम।
आपके हिसाब से इनकम क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? ओके, मैं बताऊं क्या क्या आंसर आए दिमाग में. सर, इनकम का मतलब जो हमने कमाया, जो हमारी मेहनत की इनकम. ओके, आपको लगता है इनकम का मतलब यही होगा? हाँ सर, यही होगा, और क्या होगा. चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको ना एक क्वेश्चन पूछता हूं. मेरे पास ना सैलरी है, मतलब मैं जॉब करता हूं और मुझे ना तनख्वाह मिलती है, यानी कि सैलरी मिलती है 2 लाख रुपए, ठीक है. और मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ना गिफ्ट भी दिए हैं कैश, मुझे मेरे कुछ फ्रेंड ने गिफ्ट भी दिए हैं कैश में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए. कैन यू टेल मी प्लीज व्हाट इज माय इनकम, 2 लाख या 3 लाख? कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, थोड़ी सी तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई. मन में एक क्वेश्चन है कि गिफ्ट तो मतलब गिफ्ट इनकम है या नहीं है, क्या बोलूं? गिफ्ट इनकम है या नहीं है, अब इस बारे में मैं क्या बोलूं, है ना. ये क्वेश्चन तो आ गया, क्योंकि आपकी नजरों में इनकम का मतलब था जो हमने कमाई, तो फिर गिफ्ट तो मिला होता है, कमाया थोड़ी तो गिफ्ट तो मिला है. और भी मेरे माइंड में ढेरों क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं आपसे और बड़े सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इसे इनकम बोलूं या इनकम ना बोलूं. जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको याद होगा आई थिंक 2016 में नोटबंदी हुई थी, 500 और 1 लाख 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए थे, याद है? नहीं याद? इतना बड़ा इश्यू हुआ था, पूरा इंडिया जानता है भाई, 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, ये आपको याद होगा. अच्छा, आपको पता है उस टाइम ना जो लोग अमीर थे, जिनके पास बहुत सारे वो नोट थे 500 1000 वाले, वो अपने गरीब लोगों दोस्तों को ढूंढ रहे थे, यार तेरे अकाउंट में ना 2 लाख डलवा ले, तेरे अकाउंट में ना 1 लाख डलवा ले, मैं तेरे से बाद में नए नोट ले लूंगा, याद है ना. अब मैं क्वेश्चन पूछूं, आपने अपने किसी, चलो मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला भाई 2 लाख डलवा ले और मैं तेरे से बाद में नए नोट ले लूंगा, मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अकाउंट तो खाली है यार, तू डलवा दे. उसने 2 लाख पुराने नोट डलवा दिए, बाद में मेरे से मांगा, मैंने बोला मैं तो नहीं दूंगा. बोला क्यों? मैं कहा मोदी सरकार ने कहा है अगर किसी ने तुम्हारे अकाउंट में ऐसे डलवा रहा है तो तुम ही रख लो. मैंने रख लिया भाई, मैं तो नहीं दूंगा, ये तो वैसे भी 2 नंबर का पैसा है तेरा. अब मैं क्वेश्चन पूछूं, वो 2 लाख रुपए मेरे हो गए क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में तो मैंने डलवाए अपने आप, क्या ये मेरी इनकम है? क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? सर मेरा क्वेश्चन बड़ा अलग है, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि इनकम का मतलब क्या है. इनकम का मतलब सिर्फ वो इनकम जो कमाई, या वो इनकम जो मिली, या वो इनकम जो मेरे पास है, पता नहीं क्या होता है. सर आंसर है, इतना आसान नहीं है इनकम का मतलब पता करना. सर इनकम ही पता लग गई तो फिर रह क्या गया? जिसको इनकम पता लग गई उसके ऊपर तो टैक्स के रेट लगाने हैं, और निकल गया टैक्स. भाई टैक्स का कोई रेट होगा ना, 5%, 10%, 20%, कोई तो रेट होगा, 30%. जिसको यही पता लग जाए मेरी इनकम कितनी है, उसके ऊपर तो मल्टीप्लाई रेट इज इक्वल टू इनकम टैक्स, फिर तो बड़ा आसान हो गया. यकीन मानो इनकम टैक्स के इस सब्जेक्ट में हम 75% काम इस बात पे करेंगे कि ये इनकम है ये इनकम नहीं है. अरे आज के बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, हर टॉपिक में यही तो डिस्कशन होगा, इसे इनकम माना जाएगा, ये इनकम है ये इनकम नहीं है, ये इनकम तो है लेकिन टैक्सेबल नहीं है. ऐसी ऐसी बातें करेंगे हम, ऐसी ऐसी बातें करेंगे हम. तो इनकम को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है सर, इतना आसान नहीं है. चलो ये बात तो आगे चलेगी, अब इनकम क्या होती है. वैसे आपको थोड़ा सा बताऊं, इनकम की ना डेफिनेशन लिखी हुई है लॉ के अंदर, डेफिनेशन ऑफ इनकम, डेफिनेशन ऑफ इनकम. और पता है कौन सेक्शन में है? सेक्शन 224 अगर आप खोलेंगे ना, मतलब आगे जाके हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, सेक्शन 224 हम पढ़ेंगे. अगर आप सेक्शन 224 पढ़ेंगे ना तो वहां लिखा हुआ है इनकम में क्या क्या आता है. इनकम इंक्लूड्स ए बी सी डी, लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है कि इनकम में क्या क्या आता है, इनकम में क्या क्या आता है. ये सब सेक्शन 224 में लिखा हुआ है, ये सब सेक्शन 224 में लिखा हुआ है. वहां पता लगेगा हमें इनकम का मतलब क्या है क्या नहीं है. तो इतनी जल्दी नहीं बता पाऊंगा मैं इनकम का मतलब क्या है. एनीवेज फिर भी एक बात तो मैं बताना चाहूंगा, सर अब क्वेश्चन ये शुरू कर ही दिया तो कम से कम ये तो बता दो ये वाले गिफ्ट इनकम है या नहीं है. सर ये बिल्कुल इनकम है, इस क्वेश्चन में हमारी इनकम 3 लाख है, इस क्वेश्चन में हमारी इनकम 3 लाख है, गिफ्ट भी इनकम है. सर गिफ्ट पे भी टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा, सब दिखाऊंगा वो कैसे लगता है, गिफ्ट पे भी लगेगा. यहां पर हमारी इनकम 3 लाख है. वैसे एक बात बताऊं, हम इनकम टैक्स में ना इनकम वर्ड यूज नहीं करते,
हमारा इनकम टैक्स में इनकम को बोलने का मतलब होता है टोटल इनकम, इनकम को बोलने का हमारा मतलब होता है टोटल इनकम। तो इनकम का मतलब क्या है? टोटल इनकम। और टोटल इनकम कौन सी? टोटल इनकम वो जो एज पर इनकम टैक्स है, एज पर इनकम टैक्स। सेक्शन 224 में आप इनकम डिफाइन करेंगे, इसके बाद एक सेक्शन 5 आएगा, सेक्शन 5 आएगा जो आपको बताएगा व्हाट इज द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, व्हाट इज द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, या टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है, ये सेक्शन 5 बताएगा। तो सेक्शन 224 और सेक्शन 5 को हम ज्वाइंट करके पढ़ेंगे, सेक्शन 224 और सेक्शन 5 को हम ज्वाइंट करके पढ़ेंगे, तब जाकर हमें इनकम का मीनिंग समझ में आएगा। और जब इनकम का मीनिंग समझ में आ जाएगा तब समझ लो बात खत्म हो गई, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ उस इनकम के ऊपर टैक्स लगाना बाकी है, उस इनकम के ऊपर सिर्फ टैक्स लगाना बाकी है और कुछ बाकी नहीं है। प्लीज टेल मी, आपको इनकम और टैक्स दोनों का मीनिंग एक बार ऊपर ऊपर से ओवरऑल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने आज की पूरी क्लास इंट्रो के पर्पज से ली है, मैं आपको बता दूं मैंने आज की पूरी क्लास इंट्रो के ऊपर से ली है, ये बात समझाने के लिए ली है कि टैक्स क्या है, इनकम क्या है, गवर्नमेंट कौन सी को टैक्स देते हैं, कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा, कहां लिखा हुआ है, ये सब बातें हमने डिस्कस की है। इनकम टैक्स को तो मैंने टच भी नहीं किया अभी, इनकम और टैक्स को अलग अलग मीनिंग बताया है ऑर्डिनरी सेंस में आपको, अभी मैंने इनकम टैक्स क्या होता है ये तो बोला ही नहीं, ये तो मैंने बताया ही नहीं। चलिए प्लीज, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। हां जी, तो इंट्रो पार्ट खत्म हो गया हमारा, जो ओवरऑल इंट्रो था, छोटा मोटे ऊपर ऊपर की बातें थी। अब हम अपना इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, मतलब ये भी इंट्रोडक्शन ही है, अभी भी इंट्रोडक्शन चलेगा, लेकिन ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।